बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर। जॉब नीति के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है फिज़िक्स का ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में जो है फ्रेंड्स फिज़िक्स के तकरीबन 12 वीडियोस अपलोड करूँगा। सारे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। ये वीडियोज़ जो है अप्रेंटिस के लिए है, स्पेशल LDC UDC वगैरह में इसके काफ़ी हद तक एमसीक्यूज आते हैं, तो ये इसके लिए ये सीरीज़ है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन है कि द सेंट्रिपेटल फोर्स ऑफ ए बॉडी इन अ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड बाय, यानी दायरे में हरकत करने वाले जिस्म की मरकज माइल कुवत क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन इट्स मास, यानी कमियत बढ़ाने से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो है कि अ बॉडी मूविंग इन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी यकसा इसरा से हरकत करने वाला जिसम क्या कहलाता है, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी वो बराबर का फासला क्या करता है, मसावी वक्तों में मसावी फासले को तय करता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन है कि व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स ड्यू टू डैश, मैन रिसीव्स एन इम्पल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब बस अचानक रुकती है तो डैश की वजह से आदमी आगे की तरफ झटका महसूस करता है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, यानी जमूत का कानून। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई जिसम व्हेन अ बॉडी गोज अप विद 2G एक्सेलरेशन देन डैश, यानी जब बॉडी क्या करती है, जब कोई जिसम 2G इसरा से ऊपर को जाता है तो क्या आता है, यानी डबल द लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी जिसम की लंबाई दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि इफ़ अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्राम डैश मीटर हाइट, इट्स मीट द ग्राउंड फ्राम आफ्टर 3 सेकेंड, अगर बॉडी को कितनी मीटर से गिराया जाए तो इसकी जो है 3 सेकेंड में ये आएगा, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, 44.1 सेकेंड। नेक्स्ट पेज की तरफ जा क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं कि लिमिटिंग फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज डैश देन, लिमिटिंग फ्रैक्शन जो होता है इज़ ऑलवेज डैश देन रोलिंग फ्रैक्शन, यानी इंतहाई अगर हमेशा लुढ़कने की लगर से डैश होती है तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है, ऑप्शन ए आता है, लेस देन यानी कम होती है। सात नंबर क्वेश्चन है व्हेन टू प्लैनेट्स डैश देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिकम ग्रेटर, यानी जब दो सियारे डैश हों तो उनके दरमियान की शक्ल ज़्यादा हो जाती है, यानी क्या हों, एक दूसरे के क्लोजर हों, नज़दीक वो हरकत करें। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी चेंज, यानी किसी जिसम की मख्वी तवानाई डैश में तब्दील हो जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है, आठ में ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, डायरेक्टली विद बोथ मास एंड हाइट, यानी ऑप्शन बी सी इसमें करेक्ट आंसर है। यहाँ पर भी कमियत और लंबाई दोनों के साथ बराह रास्त मुतनासिब है इसकी, तो इसमें क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ है के द वर्क ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी ये जो काम होता है किसी जिसम का काम डैश के हासिल ज़र्ब के बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है, नाइन में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, वेलोसिटी और टाइम के, तो वेलोसिटी और वक्त के, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन में करेक्ट आंसर क्या आता है, नाइन में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, फ्रैक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी अब कुवत और हटाव के, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद दस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट इज कॉल्ड, यानी आउटपुट और इनपुट को क्या कहा जाता है, दस में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी आता है, एफिशियंसी इसको कहा जाता है, यानी कारकर्दगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह है कि इफ़ वी डू बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी देन इट इज़ डैश इक्विलिब्रियम, अगर हम किसी जिस्म के मरकज शक्ल को नीचे कर दे तो ये डैश तवाज़ुन हासिल कर लेता है। 11 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए स्टेबल यानी क्याम पतिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पेज की तरफ
नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कि द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय यानी किसी किस्म की कसावट डेढ़ से बढ़ जाती है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है 12 में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, इंक्रीजिंग इट्स मास, इसकी कमियत बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन अ यूनिट मास अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, यानी किसी जिस्म की दर्जा हरारत को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए हरारत को डैश कहते हैं, करेक्ट आंसर क्या आता है 13 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, स्पेसिफिक हीट यानी मखसूस हरारत मखसूसा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज डैश, मुतवाजी सर्किट में मुज़ाहमत डैश होती है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है 14 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमतों के हासिले जमा के बराबर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इन एनी सर्कल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, किसी सर्किट में करंट डैश के बराबर मुतनासिब होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है 15 में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल का फर्क। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, यानी मैग्नेटीज की ताकत का इन्हिसार डैश पर होता है, करेक्ट आंसर क्या आता है 16 में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल पर और इसके अलावा करंट थ्रू कॉयल इस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन, यानी कुली दाखिली इनकास उस वक्त होता है जब डैश, क्या होता है 17 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, लेस देन सर्कुलर एंगल, जाविया फासला जो होता है कम होता है, क्रिटिकल एंगल, जाविया का फासला क्या होता है कम होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौ से कज़ा, यानी रेनबो जिसे कहते हैं, द रेनबो इज़ अ रिजल्ट ऑफ, रेनबो जो होता है किस चीज़ की वजह से बनता है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है 18 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच का इनिसार किस चीज़ पर होता है, करेक्ट आंसर क्या होता है 19 में, ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन डैश जंक्शन, ट्रांजिस्टर में डैश कितने जंक्शन पर मुश्तमिल होता है, तो करेक्ट आंसर क्या आता है 20 में, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी यानी पी एन पी एंड एन पी एन। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन के द रे फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिरर पासिस थ्रू, यानी अस्से के मरकज पर पड़ने वाली शुआ डैश से गुजरती है, करेक्ट आंसर क्या आता है 21 में, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, पैरेलल मुतवाजी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हेन अ बॉडी इज प्लेस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड इट्स फोकस पॉइंट देन इट्स इमेज विल बी, यानी जब किसी जिस्म को मुहद्दब आसे और उसके नुक्ते मासिका के दरमियान रखा जाए तो उसको शबी डैश होती है, क्या कहलाती है, 22 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी हकीकी और उल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 के बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, दो बरकी चार्जों के दरमियान को डैश के परास मुतनासिब होती है, करेक्ट आंसर क्या आता है 23 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्ज यानी उनके चार्जों के हासिल दरब की। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द लाइट रीच ऑन अर्थ फ्रॉम सन थ्रू, सूर्य से ज़मीन तक रोशनी डैश के जरिए पहुंचती है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है 24 में, ऑप्शन सी, शुआओं की वजह से, रेडिएशन जिसे कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि बीटा रेज कंसिस्ट ऑन, बीटा रेज जो होती है शुआ डैश पर मुश्तमिल होती है, किस चीज़ पर, करेक्ट आंसर क्या आता है ऑप्शन ए, नेगेटिवली चार्ज होता है वैक्यूम में, इन पर मनफी चार्ज होता है, इन पर क्या मनफी चार्ज। तो फ्रेंड ये तो इसका पार्ट, वीडियो पसंद आने की जरूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल जॉब न्यूज़ को सपोर्ट करें, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।